खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ पाकिस्तान राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक हर मुहिब वतन पाकिस्तानी फितरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक पेज पर नहीं है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफ UAE वर्सेज पाकिस्तानी मार जहूर अहमद और दुबई ने अपने एक टेलीफोनिक बयान में किया। उन्होंने कहा कि अवाम इन अफवाहों पर कान न धरें, ये प्रॉक्सी वार है। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की ताकतों के झूठे प्रोपेगेंडे की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान बगैर किसी दुनियावी मुफाद और गर्ज के दिफाए वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। पाकिस्तान दुनिया की वाहद इस्लामी एटमी ताकत है, होने की वजह से दुश्मन की आंख में कांटा बनकर खटकते हैं। पाक अफवाज ने जंगी तारीख के मुश्किल तरीन गुरीला महाज पर दुश्मन से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि यह हकीकत अजर मिनत शम्स है कि अगर हमारी बहादुर अफवाज किसी भी कोताही का मुजाहरा करती तो आज पाकिस्तान का हाल शाम इराक और लीबिया जैसा होता। पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज को मुजाहद इन बुत शिकन और गाजियान छोला नवा के रूप में देखते हैं। हमारा दुश्मन बखूबी समझता है कि वो मैदान जंग में हमें शिकस्त देने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए वो फिफ्थ जनरेशन वार करके जरिए पाकिस्तानी अवाम और इसके फौज के दरमियान खलीज पैदा करना चाहता है। ये दुश्मन के मजमूम मकासद की जंग है जिसमें इंशाल्लाह अपनी बहादुर अफवाज के साथ मिलकर हम फतेह याब होंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और मिलकर दुश्मन के अजायम को खाक में मिलाने का अजम रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह घुरकी अस्पताल लाहौर में कैंसर के मरीजों का इलाज साइबर नाइफ के जरिए शुरू कर दिया गया है। घुरकी अस्पताल गुज़श्ता कई दहाइयों से गरीब मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फ्राहम कर रहा है। आइए आगे बढ़िए और अपनी ज़कात व अतियात देकर जिंदगी से मायूस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में घुरकी अस्पताल का साथ दें।